Hello students, good morning. Today we are going to start MS Excel or spreadsheet. Okay, so let's start. Click on type here to search और यहाँ पर आप लिखेंगे Excel. तो सामने यहाँ पर Excel 2016 लिखा हुआ आ रहा है, इसको जस्ट आप क्लिक करिए. क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगी. यहाँ पर देखिए, ये है पहला टेम्पलेट जो है ब्लैंक वर्कबुक. इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सीट यहाँ पर खुल जाएगी. दिस इज कॉल्ड वर्कशीट और स्प्रेडशीट. ठीक है, दिस ट्यूटोरियल इज अ काइंड ऑफ रिविजन ट्यूटोरियल फॉर क्लास 10th और क्लास 9th के लिए. ये सब कुछ नई चीजें हैं, उन्हें सीखना है. नाउ दिस इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर. दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट और वर्कशीट. ठीक है, और इस स्प्रेडशीट में आपको यहां पर जो ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कॉलम्स. दीज आर कॉल्ड कॉलम्स. और 1, 2, 3, 4 जो ये आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रोज. ठीक है, अब होता क्या है, देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इट बिकम्स अ सेल. यहां पर जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सेल. अब नाउ एज आई क्लिक ओवर हियर, इस सेल का अपना एक एड्रेस होता है या नाम होता है. वो क्या होता है, कॉलम का नाम क्या है सी, रो का नाम क्या है टू, तो इसका नाम हो गया सी टू. वो कहां पर लिखा होगा, सी यहां पर नेम बॉक्स में, सी टू यहां पर कहां पर लिखा है, नेम बॉक्स में. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी तरह यहां पर देखिए इसका नाम क्या है, A2, एज यू कैन सी ओवर हियर. ओके, नाउ मैं छोटा सा यहां पर एक कुछ डेटा मैं एंटर कर रहा हूं. यहां पर मैंने लिखा सीरियल नंबर और यहां पर लिखा गुड्स एंड यहां पर लिखा मैंने प्राइस. तो इस तरह से जो है आप यहां पर सीरियल डेटा को एंटर कर सकते हैं अलग अलग सेल में. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं. सपोज मुझे 1 to 10 यहां पर लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली आई कैन राइट 1, 2, 3, 4, है ना, ये हम कर सकते हैं. लेकिन मुझे यहां पर जो है 1, 2, 3, 4 मैन्युअली नहीं लिखना है. क्यों, क्योंकि इट विल टेक टाइम. अगर मुझे 100 तक लिखना होगा तो बहुत टाइम लेगा. तो इसके लिए आपको करेंगे क्या, 1 और 2 आप लिखेंगे सिंपली बस. उसके बाद दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, 1 और 2 को एक साथ सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद अब आप देखिए यहां पर बिल्कुल बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर देखिए एक डॉट सा बना हुआ है. ठीक है, और जैसे इस पर मैं कर्सर ले जा रहा हूं, ये प्लस साइन में चेंज हो गया है. तो जैसे ये प्लस साइन में चेंज होता है, क्लिक करिए और नीचे इसको ड्रैग करिए. तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितना भी आपको चाहिए, जस्ट रिलीज. उसके बाद आपको रिलीज करना है, तो इतना आपका खुद ही आ जाएगा. ठीक है, अप टू 100 आप विद इन अ सेकंड आप कर सकते हैं. ओके, इज दैट क्लियर. तो फिलहाल हम करेंगे अप टू 3, 4 तक ही इसको रखते हैं. इतना मैं सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट बटन पे प्रेस कर रहा हूं, तो ये डिलीट हो गया. इज दैट क्लियर. चलिए अब देखिए यहां पर गुड्स का नाम, सपोज हमने लिखा फ्रूट्स एफ. चलिए हम कुछ और लिख लेते हैं, पेन लिख लेते हैं और इधर पर लिख लेते हैं पेंसिल्स एंड देन सपोज व्हाट इरेजर्स, या फिलहाल हम ऐसा करते हैं बुक्स हम लिख लेते हैं एंड देन नोटबुक. ठीक है, तो ये हमने लिखा. प्राइस सपोज आई जस्ट वांट टू, इसका हमने दिया 10, 15, बुक्स का 50 एंड देन 40. एग्जैक्टली ना, ये छोटा सा हमने एक यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन किया हुआ है इस डेटा का, जिसमें आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर पेन जो है कितना प्राइस है उसका 10 रुपीज़ का है, पेंसिल्स 15 रुपीज़ का है, बुक्स 50 रुपीज़ का, नोटबुक 40 रुपीज़ का है. ठीक है, ना व्हाट आई वांट टू टेक टोटल प्राइस. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो सीखना है कैलकुलेशंस में, वो है एडिशन, हाउ टू ऐड इन स्प्रेडशीट. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज मैंने लिखा टोटल, देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर टोटल मैं लिख रहा हूँ, सो दैट यहाँ पर मुझे समझ में आए कि इन सबका टोटल ये है. तो कहाँ पर मुझे टोटल चाहिए, मुझे इस सेल में टोटल चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे. अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ इन सबको, तो ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, देर आर मैनी वेज टू ऐड इन MS Excel. अब आपको करना क्या, देखिए सबसे पहला जो तरीका मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5 + 10, ओके, और हमने एंटर किया, लेकिन ये प्लस नहीं हुआ. क्यों, बिकॉज इन MS Excel अ फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इक्वस टू. ठीक है, अब देखिए मैं लिख रहा हूं इक्वस टू 5 + 10, तो कितना हो गया 15. यू अंडरस्टैंड, ओके, वेरी गुड. अब यहां पर आप इसको जो है यहां पर प्लस करेंगे, तो क्या आप शुरू करेंगे इक्वस टू. ओके, अब किसको आपको प्लस करना है, 10, 15, 50, 40. तो सिंपली आपको करना क्या है, 10 पे क्लिक करिए. नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, C3, 10 नहीं लिखा हुआ रहा, देखिए क्यों, क्योंकि यहां पर इस सेल का नाम लिखा हुआ आएगा, तो सेल का नाम क्या है C3. ओके, प्लस आप कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ
इक्वस टू आप दबाएंगे बैक इसके बैक स्पेस के जस्ट बगल में जो इक्वस टू होता है, शिफ्ट के साथ उसको आप प्रेस करेंगे तो प्लस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। प्लस व्हाट C4, देन प्लस C5, प्लस C6, ओके, या मैनुअली भी आप लिख सकते हैं इक्वस टू C3 आप टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, प्लस C4 आप लिख सकते हैं इस तरह से, बस इतना ही हमें चाहिए, और इक्वस टू कर दीजिए तो यहां पर इन सबका एडिशन हो चुका है, सबका सम आ चुका है, ओके, इज दैट क्लियर। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर अभी तक आपने नेम बॉक्स पढ़ा, अब ये है फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार जो ये एफ एक्स यहां पर लिखा हुआ उसके आगे जो ये है इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। अब ये फॉर्मूला बार होता क्या है, देखिए जैसे कि इसका नाम है फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार करेगा क्या, किसी भी सेल में जो फॉर्मूला अप्लाई किया आपने उसको यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, इस पर क्या फॉर्मूला अप्लाई है, ये वाला जो अभी हमने किया 15 पे, मैं क्लिक करूंगा ये 15 पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, इक्वल टू 5 प्लस 10, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए 10 पे तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था, तो देखिए इसमें ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया 10 पर तो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है 10, यानी कि अगर किसी सेल में फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है तो उसकी वैल्यू वहां पर आएगी, ओके। चलिए तो यहां पर हमने पहला तरीका समझा एडिशन का, इक्वल टू C3 प्लस C4 हमने अलग अलग सेल्स को हमने ऐड किया और उसका एडिशन यहां पर लिख गए। अब देखिए एक दूसरा तरीका भी है ऐड करने का, वो क्या है, रेंज, रेंज की हेल्प से भी हम यहां पर एक फंक्शन की हेल्प से, उस फंक्शन का नाम है सम, सम फंक्शन की हेल्प से रेंज हम यहां पर देंगे और उससे भी हम एडिशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा रेंज क्या होती है, तो देखिए यहां पर रेंज होती है ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस सेल्स, जैसे ये सेल यहां से J3 से लेके J9, तो ये एक रेंज है J3 to J9। अब यहां पर 2 कैसे लिखेंगे आप, जैसे मैंने लिखा J3, ओके, J3 2 मतलब कॉलन, कॉलन कैसे लिखते हैं, शिफ्ट के साथ आप यहां पर सेमी कॉलन को दबाएंगे तब कॉलन आएगा, जो L के बगल में होता है राइट हैंड साइड पे आपके कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा, शिफ्ट के साथ आपको उसको प्रेस करना है तो यहां पर कॉलन आ जाएगा J3 to J9, तो यानी कि J3 J4 J5 J6 J7 J8 और J9, इसका मतलब यह है, दिस इज कॉल्ड अ रेंज, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां पर मैं रेंज से मैं इसको सम करता हूं तो कैसे हम करेंगे, इक्वल टू यहां पर करेंगे और सम इस फंक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट आप शुरू करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 आप प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल ब्रैकेट यहां पर आएगा, ठीक है। तो कहां से, C3, ये C3 है ना, 10 कहां पर है, C3 में, C3 और कॉलन, और कहां तक, C6 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पर ये एक रेंज है तो इसको आप सम कर दीजिए, एंड जैसे आप एंटर करेंगे यहां पर ये सम हो चुका है। तो दूसरा तरीका था, पहला तरीका था सिंपली आपने सेल बाय सेल लिखा प्लस प्लस करके, और दूसरा तरीका था आपने सम फंक्शन का यूज किया रेंज लिख के, और तीसरा तरीका क्या है, देखो एक और तरीका है एडिशन करने का, आपको इन सब का एडिशन यहां पर टोटल आपको यहां पर चाहिए, तो यहां पर इस सेल को आप सेलेक्ट करिए और यहां पर होम टैब में आप आइए, एडिटिंग में इस ग्रुप में यहां पर ऑटो सम दिया हुआ है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहां पर देखिए यहां पर ये खुद ही रेंज इसने यहां पर बता दिए, क्या आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं, यस, ये खुद ही जो है उससे पहले जो एक जो रेंज होगी उसको सेलेक्ट करेगा, यस यू आर एग्री, तो एंटर करिए, तो यहां पर ये भी आ गया। तो तीन तरीके हमने देखे सम करने के, किसमें, एमएस एक्सेल में, ओके। चलिए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, सपोज हमने लिखा यहां पर 10, यहां पर लिखा 4, इन दोनों को हमें सेपरेट करना है, तो इक्वल्स टू हमने इसको सेलेक्ट किया माइनस और इसको हमने सेलेक्ट कर दिया F4 माइनस F5, जैसे एंटर करेंगे 6 यहां पर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिवीजन 5 और यहां पर हमने किया 8, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लीकेशन हम पहले कर लेते हैं, 5 पे हमने सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ हमने 8 को प्रेस करना है तो एस्ट्रिक यहां पर आएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना है, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है, ठीक है, और यहां पर फिर इसको हमने सेलेक्ट कर दिया E9 मल्टीप्लाई E10 और एंटर करेंगे 40 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही आप डिवाइड करेंगे 10 और 2 मैंने यहां पर लिखा है, इक्वल्स टू 10 को आप सेलेक्ट करेंगे यानी कि J9, इस सेल का नाम क्या J9, और फ्रंट स्लैश और किससे
2 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो आपके समझ में आ गई हैं। अभी तक हमने सीखा है हाउ टू ओपन एम एस एक्सेल, हाउ टू व्हाट आर रोज एंड व्हाट इज अ कॉलम, ये हमने सीखा है। और अभी तक हमने सीखा सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस, अब हम सीखते हैं हाउ टू इंसर्ट कॉलम एंड रोज। अब देखिए यहाँ पर सपोज मुझे बी और सी के बीच में एक कॉलम चाहिए, तो आपको करना क्या है, जिस कॉलम के लेफ्ट में कॉलम चाहिए, बी और सी के मिडिल में चाहिए, इन द सेंस सी के लेफ्ट में, तो सी में आप कर्सर को ले जाएंगे और यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। जैसे आपने इंसर्ट किया यहां पर एक कॉलम आ गया देखिए बीच में, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 और 4 के बीच में एक रो चाहिए, तो इसमें अबव जो है यहां पर रो इंसर्ट होगी, ठीक है। तो यहां पर 4 के अबव यानी कि 3 और 4 के बीच में मुझे चाहिए, तो 4 पे आप ले जाएंगे कर्सर को, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो देखिए 4 के ऊपर ये रो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर 3 4 5, तो यहां पर जो है एक रो बीच में आ गई है। ओके, फिर से देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, 3 और 4 नहीं करते हैं इसको, हम 1 और 2 कर लेते हैं, 1 और 2 के बीच में मुझे एक रो चाहिए, तो 2 कहां पर है, 4 पे है, 4 रो पे, तो इस पे आप राइट क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो यहां पर देखिए 1 और 2 के बीच में एक रो आ चुकी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर इसको आपको डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, तो इसको डिलीट करने के लिए कॉलम को आपको डिलीट करना है, तो उस कॉलम पे जाइए, राइट क्लिक करिए और उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे रो को भी, जिस रो को डिलीट करना है उस रो पे आप राइट क्लिक करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे, तो सिंपली डिलीट भी हो जाएगी। ओके, अगला आप आते हैं, देखिए वर्कशीट को कैसे हम रीनेम करेंगे। जो ये वर्कशीट यहां पर है इसका एक नाम है Sheet 1, इसको आपको अगर रीनेम करना है तो इस पर राइट क्लिक आपको करना है और रीनेम यहां पर लिखा हुआ है, और इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, माय गुड्स डिटेल्स ये हमने दिया और एंटर हमने प्रेस कर दिया, तो ये यहां पर इसका नाम क्या हो गया, माय गुड्स डिटेल्स। अब देखिए यहां पर एक और आपको एक्सेल सीट आपको लेनी है, तो यहां पर प्लस साइन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करिए तो नई एक्सेल सीट यहां पर आ गई। तो ऐसे आप कितनी भी एक्सेल सीट यहां पर ले सकते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेल सीट्स है यानी कि वर्कशीट्स है, इनको हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे, वर्कबुक हमें बोलना है। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट कॉलम, हाउ वी डिलीट कॉलम एंड रोज, हाउ वी रीनेम आवर वर्कशीट, एंड व्हाट इज अ वर्कबुक। वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट्स, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम सेव कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, और जैसे आपने फाइल पे क्लिक किया सेव पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो हमने बोला दिस पीसी, विल क्लिक ऑन दिस पीसी और डेस्कटॉप, चलिए डेस्कटॉप पे ही हम इसको कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर ये इस तरह का विंडो खुल के आएगा, इस पे आप कुछ भी आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर मैंने दिया माय गुड्स डिटेल्स, ये हमने दे दिया और इसको सेव कर लिया। जैसे मैंने इसको माय गुड्स डिटेल्स से सेव किया तो ऊपर देखिए टाइटल बार में लिखा हुआ रहा है माय, अच्छा थोड़ा सा MHY हो गया, कोई बात नहीं, माय गुड्स डिटेल्स, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर तीन टाइटल बार में तीन जो बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन, इनकी हेल्प से आप मिनिमाइज कर रहा हूँ देखिए मैं इसको, और यहाँ पर ये आ गया माय गुड्स डिटेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव MS एक्सेल वर्कशीट। सो फॉर दिस ट्यूटोरियल दिस इज इनफ, इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास 10th के लिए बहुत सारी नई जो इंपॉर्टेंट उनके सिलेबस से रिलेटेड है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, और क्लास 9th वी विल कैरी ऑन विद द सेम पेस। थैंक यू।